नाज़रीन अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं पर संगीन इल्ज़ामात की बारिश करने वाली मारूफ अमरीकी व्लॉगर सिंथिया डीरेची पिछले 8 साल से पाकिस्तान में मकीम है, लेकिन इन 8 सालों में इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी गुज़श्ता चंद ही दिनों में उन्हें मिल चुकी है। अमरीकी खातून ने पहले पीपल्स पार्टी की सरबराह साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो पर शदीद किस्म के इल्ज़ामात आयद किए थे। फिर उसके चंद दिन बाद ही उसने साबिक वज़ीर दाखला रहमान मलिक पर जिनसी ज़्यादती, जबकि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर दस्तराज़ी के इल्ज़ाम आयद किए। ताहम पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की जानिब से सिंथिया रिची के इल्ज़ाम की सख्ती से तरदीद की गई और अब दोनों फ्रीकैन अदालत में हैं। नाज़रीन, इस सारे वाक़े की तरफ जाने से पहले अमरीकी खातून सहाफ़ी के बारे में जान लेते हैं कि वो कौन है, कब और कहाँ पैदा हुई, उनकी तालीम, उनके ज़राए आमदन क्या हैं और पाकिस्तान किस मकसद के तहत आईं। लेकिन मज़ीद मालूमात की तरफ जाने से पहले मेरे चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि सोहबत मैगज़ीन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो बरवक्त मिल सके। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नाज़रीन, उनके पासपोर्ट पर मौजूद मालूमात के मुताबिक सिंथिया रिची अमरीकी रियासत लुइजियाना में 22 अप्रैल 1976 को पैदा हुई और उनकी उम्र 44 बरस के करीब है। सिंथिया के अपने बायोडाटा के मुताबिक उसने साल 2003 में अमरीका की लुइजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से कानून और शोबा आमा में अपनी बैचलर्स की डिग्री हासिल की। उसी यूनिवर्सिटी से 2005 में तालीम और नफ्सियात के शोबे में अपना मास्टर्स भी मुकम्मल किया। उसके बाद उसने मज़ीद 2 और शोबों में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, जिसमें से एक उसने तिब्बी नफ्सियात के शोबे में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की पेपरडाइन यूनिवर्सिटी से हासिल की, जबकि दूसरी डिग्री स्ट्रैटेजिक पब्लिक रिलेशंस के शोबे में जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से मुकम्मल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद सिंथिया टेक्सास जुडिशरी की जानिब से चाइल्ड एडवोकेट के तौर पर मुकर्रर हुई और वहाँ उसने तकरीबन 1 साल तक काम किया। 2008 में सिंथिया ने अमरीकी रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन के सिटी काउंसिल में कम्युनिटी राबता अफसर के फ़राइज़ अंजाम दिए। सिंथिया का इस हवाले से कहना था, इस वक्त ह्यूस्टन में पाकिस्तान कम्युनिटी सियासी और समाजी सतह पर काफ़ी फ़ाल थी। इस दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के साथ मिलकर मैंने ह्यूस्टन शहर के लिए काफ़ी काम किया और वहीं से पाकिस्तानियों के लिए मेरे दिल में इज़्ज़त पैदा हुई। सिंथिया रिची मुख्तलिफ बार 52 मरतबा पाकिस्तान आईं। उनका पहला पासपोर्ट 9 दिसंबर 2008 को जारी हुआ, जबकि अमरीकी हुकाम ने सिंथिया रिची का आखिरी पासपोर्ट 18 जुलाई 2018 को जारी किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिंथिया रिची पाकिस्तान में पहली बार 9 नवंबर 2009 को आईं। सिर्फ 3 दिन के क्याम के बाद 12 नवंबर को कराची से ही वापस रवाना हो गईं। उसके बाद पाकिस्तान में 2010 में आने वाले सैलाब के दौरान सिंथिया डीरेची अमरीकी शहरी ह्यूस्टन की उस वक्त की मेयर एनिस पार्कर की खैर सगाली सफीर के तौर पर मुख्तसर वक्त के लिए भी पाकिस्तान आई। ताहम 2011 से लेकर ताहाल वो पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मुकीम है। अमरीकी सहाफ़ी ने 2010 में पाकिस्तान में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों पर एक रिपोर्ट भी तैयार की थी, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि किस तरह गरीबों और मुतासरीन के लिए आने वाले फंड्स में उस वक्त के सियासतदानों ने डाका डाला। उन्होंने रिपोर्ट में एक हैरान कुल इंकशाफ उस वक्त बरसरे इक्तदार जमात पीपल्स पार्टी के बारे में भी किया था कि जब स्टार अदाकारा और अक्वामे मुतहदा की खैर सगाली की सफ़ीर एंजेलिना जूली सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान तशरीफ़ लाईं तो किस तरह गिलानी ख़ानदान के अफराद और वज़रा उसके साथ एक तस्वीर बनाने के लिए बेताब थे। अदाकारा के एजाज़ में पुरतश दोहराने से लेकर सोने के हार और ताजपोशी की सारी कहानी भी उसी अमरीकी सहाफ़ी ने बयान की थी, जिसके चर्चे काफ़ी अरसे तक होते रहे। बहरहाल 2011 में वो महकमा सेहत में कम्युनिकेशन लेक्चरार के तौर पर भी काम करती रहीं। सिंथिया खुद तस्लीम करती हैं कि महकमा सेहत की नौकरी के दौरान उसे हुकूमत की जानिब से रहने की जगह, सफरी सहूलियात, एक फ़ोन और एक टैबलेट डिवाइस फ्राहम की गई थी। सच तो ये है कि वो सिर्फ तनख्वाह की हकदार थी और ये सहूलियात उसे फेवर के तौर पर दी गई जो उन्होंने खुद मांगी। इस दौरान सिंथिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म स्वाति, जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर ब्राइस साइंस और टेक्नोलॉजी थे, की बेटी की एनजीओ में काम शुरू कर दिया, जो 1.5 साल के अरसे तक जारी रहा। कुछ अरसा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया विंग से बतौर स्ट्रेटजिस्ट
और रिसर्चर भी वाबस्ता रहीं और कहा जाता है कि उन्होंने पीटीआई पार्टी मंशूर तरतीब देने में भी अहम किरदार अदा किया। सिंथिया के मुताबिक इस दौरान उनकी दूसरी सियासी जमातों से भी वाबस्तगी हुई, जिनमें MQM, नून लीग, काफ लीग, जमात इस्लामी, अवामी नेशनल पार्टी सरफहरिस्त हैं। ताहम उनके मुताबिक इस दौरान कुछ जमातों की जानब से उनकी जासूसी की गई और मुतअद्दिद बार उन पर हमला भी हुआ। PPP हुकूमत की मुदत पूरी होने और उसके बाद तहरीक इंसाफ के बरसरे इकतदार आ जाने के बाद भी सिंथिया पाकिस्तान में मकीम रहीं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मीडिया विंग में फराइज अंजाम देती रहीं। इस दौरान उन्होंने इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद अपनी एक प्रोडक्शन कंपनी का आगाज़ किया। ये कंपनी डॉक्यूमेंट्री वीडियोज़ बनाती है। 2015 में सिंथिया डिरेजी ने एमर्जिंग फेसिस के नाम से पाकिस्तानी सकाफत और तहजीब पर मबनी अपनी पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई। इसके अलावा सिंथिया बतौर एक राइटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून, दी न्यूज़, साउथ एशिया मैगजीन और ग्लोबल विलेज स्पेस के लिए भी लिखती हैं। सिंथिया खुद को फ्रीलांस मीडिया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, वीलॉगर और सयाह करार देती हैं। यूट्यूब पर उनका एक चैनल भी मौजूद है जिस पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर उनकी बनाई गई वीडियोस और वीलॉग्स मौजूद हैं, जिनके ज़रिए पाकिस्तान का मस्बत चेहरा दुनिया को दिखाया गया है। ट्विटर पर उनके फॉलोअर्स की तादाद 1,88,000 से ज़ायद है, जिनमें अक्सरियत पाकिस्तानियों की है। उनके ट्विटर हैंडल पर उनकी पाकिस्तानी लिबास और जेवरात में मलबूस एक तस्वीर भी लगी हुई है। अब आते हैं पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत पर उनके लगाए इल्ज़ाम की जानब। इस हवाले से सिंथिया रिची का कहना है कि पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं पर लगाए गए अपने इल्ज़ाम पर कायम हूँ। रहमान मलिक ने वीज़े का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया, गुलदस्ता और कीमती तहाइफ भी दिए। यूसुफ रजा गिरानी ने जानबूझकर मुझे गैर मुनासिब तरीके से गले लगाना चाहा। मखदूम शहाबुद्दीन ने कंधे पर मसाज करने की कोशिश की और बेनज़ीर भुट्टो के बारे में जो ट्वीट किया वो मालूमात पीपल्स पार्टी के सीनियर लोगों ने ही दी थी। सिंथिया रिची ने एक निजी टीवी चैनल को भी इंटरव्यू दिया जिसमें उनका कहना था कि जो भी इल्ज़ाम लगाए उन पर कायम हूँ और उन्हें साबित भी करूँगी। अदालत में तहकीकात का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मस्बत तस्वीर पेश करना चाहती थी जिस पर फिल्म बना रही थी। मेरा बिजनेस वीज़ा है और मैंने हमेशा बिजनेस वीज़े पर काम किया है। मेरा पहला वीज़ा टूरिस्ट वीज़ा था। मैं 2015 से अपने जाती पैसों से पाकिस्तान का एक मस्बत बयानिया पेश करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे इधर के लोग पसंद हैं। कुछ बरसों में पाकिस्तान में नामसाइद हालात और दहशतगर्दी का मुकाबला किया है। मैंने उसको उजागर करने की कोशिश की। सिंथिया रिची के इल्ज़ामात पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने भी रद्दअमल दिया। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने इस हवाले से कहा कि जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए मैंने उसका जवाब दिया। बिलावल भुट्टो ने अपनी पार्टी को कहा, जैसे यूसुफ गिलानी ने बड़ा मुअसर तरीके से दिफा किया है, आपको भी ऐसे करना चाहिए। उन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया कि दस तराजी की, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि उस ज़माने में दहशतगर्दी की वजह से प्रेजिडेंसी में सख्त सिक्योरिटी थी, उस वक्त ये वहाँ क्या कर रही थी? अगर आई भी होंगी मुझे याद नहीं है, मैं उन्हें पहचानता भी नहीं हूँ। वज़ीर आज़म को बहुत से लोग मिलते हैं लेकिन ये कहना कि उस पार्टी के अंदर मैंने उन्हें गले लगाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। साबिक वफाकी वज़ीर सेहत मखदूम शहाबुद्दीन ने कहा कि मैं हल्फिया कहना चाहूँगा कि उनके तमाम इल्ज़ाम गलत हैं। ये सारी बातें ये किसी के कहने पर कर रही हैं, तहकीकात होनी चाहिए। फ़िलहाल मैं तो कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा लेकिन हमारी पार्टी ज़रूर सोच रही है जो इतनी गलीज बातें की हैं बेनज़ीर के बारे में। सेनेटर रहमान मलिक ने अमरीकी सिंथिया डिरिची की जानिब से शर्मनाक इल्ज़ाम पर कहा कि ऐसे सैकड़ों जाली और मनगढ़ंत इल्ज़ाम का सामना कर सकता हूँ। मोहतरमा शहीद के दिफा और हुकूमत के खिलाफ सख्त बयान और बतौर कमेटी चेयरमैन सख्त इकदाम लेने पर मेरी किरदार कशी शुरू की गई। नाज़रीन, इन सारी मालूमात से ज़ाहिर होता है कि अमरीकी खातून सहाफ़ी सिंथिया रिची पाकिस्तानी हुक्मरान तबकात के साथ अवामी हलकों में भी जानी पहचानी जाती हैं और उनके पाकिस्तान के लिए जज्बात और तासरात की तारीफ की जाती है। सिंथिया और पीपल्स पार्टी के दरमियान ये जंग कहां तक जाएगी और इस अमरीकी सहाफ़ी की डोरें किसके हाथ में हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
मगर मैं सिंथिया रिची की पाकिस्तान में मौजूदगी और मुक्तदीर हलकों के साथ ताल्लुकात को तारीख के तनाजर में देख रही हूँ, क्योंकि किसी भी मुल्क से अहम राज अफशा कराने और दुश्मन मुल्क की फौजी हुकूमती स्ट्रेटजी के बारे में मालूमात इकट्ठी करने के लिए खवातीन एजेंट बहुत अहम किरदार अदा करती रही हैं। यू सिंथिया रिची पहली अमरीकी खातून नहीं है जिसने पाकिस्तानी सियासत में भूंचाल बर्पा किया, बल्कि इससे बहुत पहले ज़ियाउल हक के ज़माने का मशहूर किरदार जोना एरिंग की शक्ल में सामने आया। जहीन व फतीन खूबसूरत जोना एरिंग का ताल्लुक अमरीका के दौलतमंद और बासर तरीन हलकों से था और उनका हल्का अहबाब रियासतों के सरबराहों तक फैला हुआ था। जोना एरिंग उर्दन के शाह की करीबी दोस्त थी, लेकिन उन्हें सबसे ज़्यादा शोहरत जनरल ज़िया की कुर्बत की वजह से मिली। जोना एरिंग से जनरल ज़िया की शनासाई 70 की दहाई में हुई और एरिंग ने जनरल ज़िया के फौजी इनकलाब की भरपूर हिमायत की। जोना एरिंग के बाद जिस अमरीकी खातून ने पाकिस्तान के मुक्तदिर और अवामी हलकों में मकबूलियत हासिल की वो आहन जानी अमरीकी सफ़ीर आर्नन राफेल की साबिका बीवी और डिप्लोमेट रॉबिन राफेल हैं। रॉबिन पहली दफ़ा अपने शोहर आर्नल्ड राफेल के साथ इस्लामाबाद आई और सोवियत वार के दौरान अमरीकी सरगर्मियों का मरकज़ सफारतखाना ही पाकिस्तान से उनकी गुर्बत का मरकज़ बना। रॉबिन राफेल ने पाकिस्तानी सियासतदानों, एजेंसियों, सहाफ़ियों और कारोबारी तबकात से ज़ाती ताल्लुकात कायम किए और जल्द ही वो पाकिस्तान में एक जानी पहचानी शख्सियत बन गईं। रॉबिन राफेल ने रिटायरमेंट के बाद मुशर्रफ दौर में वाशिंगटन में पाकिस्तानी लॉबी के लिए काम भी किया। 2009 में रॉबिन को अमेरिका के नुमाइंदा खसूसी बराए पाकिस्तान अफगानिस्तान रिचर्ड हॉलब्रुक में शामिल किया गया और उन्होंने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिशें जारी रखीं। सलाला चेक पोस्ट पर होने वाले हमले के बाद रॉबिन अमेरिका की तरफ से माफ़ी और दोबारा ताल्लुकात की बहाली की हामी रहीं। रॉबिन राफेल और पाकिस्तानी सफारतकार सहाफ़ी मलीहा लोधी के दरमियान बेहद कुर्बत रही, जिसने अमरीकी एजेंसियों को शकूक व शुबहात में मुब्तला किए रखा। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर से ज़्यादा अहम शख्सियत समझी जाने वाली रॉबिन राफेल को उनके निकनेम रॉबिन से मुखातिब किया जाता है। नाजरीन 2014 में FBI ने अमेरिका में रॉबिन की रहायशगाह पर छापा मारा और बहुत सारा रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। रॉबिन राफेल पर अब पाकिस्तान को अहम मालूमात देने का इल्ज़ाम लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अलबत्ता इस मुकदमे का कोई नतीजा बरामद नहीं हो सका। CIA के ब्रोसरल के मुताबिक एजेंसियाँ ये समझती हैं कि रॉबिन पाकिस्तान के बेहद करीब है और अब इस शोहरत से जान छुड़ाना उसके लिए नामुमकिन है। रॉबिन राफेल और पाकिस्तान का नाम हमेशा एक साथ जुड़ा रहेगा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, जोना एरिंग और रॉबिन राफेल के बाद अब एक और अमरीकी हसीना सिंथिया रिची की पाकिस्तान में दिलचस्पी और इक्तदार के ऐवानों में होने वाली सरगोशियाँ क्या क्या रंग लाती हैं, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अलबत्ता ये बात वसूख से कही जा सकती है, एक निहत्ती अमरीकी लड़की इतनी बड़ी मछलियों पर हाथ किसी बड़े शिकारी के सहारे ही डाल सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए लाऊं, तो मेरी और मेरी टीम की हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल सोबत मैगज़ीन को सब्सक्राइब कर लें, लाइक का बटन दबा दें और कमेंट करके अपनी पसंदीदगी का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।